इस देश में जाति के नाम पे गाली दी गई 3 दिन पहले। अगर इनसे कोई पूछ ले तुम्हारी जाति क्या है, जाति कैसे पूछनी? तुम पिछड़े हो या तुम्हारा नाम क्या है, बताओ बताओ बताओ। घर पे दादाजी बोलते हैं ना कि जब दिन में चोरी करोगे ना या कभी चोरी करोगे तो रात में नींद नहीं आएगी। चोरों को पुलिस का बहुत डर रहता है कि रात 2 बजे आ जाएगी। ये कहीं ना कहीं उनके मन में कोई खोट है। चोरी की बात की इन्होंने ना, भरपूर करप्शन इन्होंने संसद में किया, पानी टपक रहा है। अयोध्या मंदिर इतना हल्ला, पानी टपक रहा है, ऐसा करप्शन। फिर अभी इतने टाइम से हम ये क्यों सुनते थे कि चाय वाला प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि ईडी की रेड आएगी, ईडी की रेड आएगी। मुझे लगता है कि ईडी की रेड आएगी, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप सही हो तो देश में दलित के सरकारी नौकरी के प्रमोशन में सबसे बड़े विरोधी थे। बताइए आज। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों आज की वीडियो बड़ी ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस डिबेट में ऑडियंस ने समाजवादी पार्टी और आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव, जिन्हें आप सभी जानते हैं जो बहुत ज्यादा बकवास करती हैं, उन दोनों की अच्छे से क्लास लगा दी। राहुल गांधी ने अभी एक ट्वीट किया कि उनके ऊपर ईडी की रेड पड़ने वाली है, जिसके बाद ऑडियंस सवाल पूछ रही है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको ईडी की रेड का डर क्यों है। दोस्तों इसी तरह की डिबेट देखने में आपको आज बड़ा मजा आएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को साथ में एंड तक देखते हैं। थैंक यू। ईडी राहुल जी के सपने में आई थी। देखिए ऐसा है कि अगर कोई विपक्ष मजबूती से रात में जग रहा है तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, और ये देश की लाइन रही है कि व्हेन कंट्री वॉज स्लीपिंग मिडनाइट सन द इंडिया वोक्स, उसको ध्यान में रखिए। तो रात की बात और दिन और रात नहीं होता राजनीति में। इस देश के 140 करोड़ के लिए एक मजबूत विपक्ष खड़ा है, तो दिन हो या रात हो। और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, जाति की बात पे तो तिलमिलाती भारतीय जनता पार्टी है ना। आज मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी खुद पसी दिख रही है, क्योंकि जिस प्रकार से इस देश में जाति के नाम पे गाली दी गई 3 दिन पहले, और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इस देश में संसद के जो अध्यक्ष हैं उनमें कार्रवाई तक नहीं गई, और उल्टा हमारे प्रधानमंत्री ने उसको ट्वीट करके शाबाशी दी। अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि तुम्हारी जात का पता नहीं है, ये गाली होती है उस व्यक्ति के लिए, ये गाली होती है उसके माँ बाप के लिए, उनकी परवरिश के लिए। और मुझे लगता है ये गर्व का विषय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की फंसने की स्थिति आ गई है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को साफ करना पड़ेगा कि इस देश में जातिगत जनगणना होगी कि किसी की जात पूछना गाली की तरफ है। मैं यहाँ पर 4 लोगों को बोलता हूँ खड़े हो जाएं, यहाँ पर 4 लोग खड़े हो जाएं। जाति पूछी नहीं गई है, जाति पूछ रहे हैं ना, जाति पूछी नहीं गई है। आप जाति पूछ रहे हैं, बोले कि ये कौन जात है, 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 लेकिन अपनी बारी जब जात बताने की आई तो आप बोलेंगे ये तो गाली है जी, तो इनके लिए गाली नहीं है। फिर अगर ये बताएंगे तो जातीय जनगणना में किससे जात पूछेंगे, इनसे तो पूछेंगे सबसे। अरे भाटिया, ईडी में आप फंसाना चाहते हैं, जाति को लेकर आप गाली देते हैं, आप चाहते क्या है देश में, चाहते क्या है इस देश में? देखिए एक एक करके उत्तर दे देता हूं जी, 50 सेकंड। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि ये टूटी साइकिल इतनी कंफ्यूज्ड क्यों है। और कंफ्यूज क्यों है, कहते हैं जातिगत जनगणना कराएंगे, तो आदमी जाएगा हर नागरिक से पूछेगा जाति बताओ भैया, जाति बताओ, जाति बताओ। और अगर इनसे कोई पूछ ले तुम्हारी जाति क्या है, जाति कैसे पूछ ली? अगर तुमसे नहीं पूछ सकते तो आम जनता से कैसे पूछ सकते हैं? तुम उनके ऊपर हो क्या? नहीं हो, तुम भी वैसे ही हो जैसे जनता है। तुम पिछड़े हो या तुम्हारा नाम क्या है, बताओ बताओ बताओ। अच्छा तब तुम जाति पूछो तो ठीक है, अगर कोई तुम्हारी जाति पूछ ले तो कांटा चुभा, कांटा लगा, नहीं चलेगा भैया भारत में। दूसरी बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, आपकी बारी आएगी। जाति में नहीं फंसा है विपक्ष, ऐसे नहीं फंसा है, क्योंकि जातिगत जनगणना और आरक्षण हमारे लिए सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, वो हमारे लिए एक मूवमेंट है, और मूवमेंट इस आधार पर है, उसका प्रिंसिपल ये है कि हमारे देश में जो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो एक इनइक्वालिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम की वजह से आया है, उस सिस्टम का नाम है जाति। कोई अपर कास्ट है तो कोई लोअर कास्ट है, ये जो सिस्टम है ना उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, और हम ये बिलीव करते हैं उसको, उसे लड़ने के लिए हमें उसी रूट को अपनाना पड़ेगा। इसलिए जातिगत सर्वे, जातिगत जनगणना की जरूरत है, ये जानने के लिए कौन अति पिछड़ा है, कौन पिछड़ा है, दलित में कौन सबसे पुअर है, अपर कास्ट में कौन पुअर है, इसमें किसी जात के खिलाफ लड़ाई नहीं है। घर पे दादाजी बोलते हैं ना कि जब दिन में चोरी करोगे ना या कभी चोरी करोगे तो रात में नींद नहीं आएगी। और दूसरा बात यह है कि राहुल गांधी सपना देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का, तो उनको कहीं से मालूम भी चला है कि ईडी की छापेमारी चलने वाली है, तो स्वागत करें ना, पोस्ट करें कि हाँ हम तो कह रहे हैं चाय बिस्कुट खिलाऊंगा, स्वागत करें और बुलाएं कि बैठाएं और बुलाएं कि जांच करें। अपना रात को 2 बजे कैसे आ गया रोकने के लिए, कैसे आया? देखिए चोरों को पुलिस का बहुत डर रहता है कि रात 2 बजे आ जाएगी, ये कहीं ना कहीं उनके मन में कोई खोट है, समझ गया मैं। इतना ही है और कुछ है नहीं। लेकिन राहुल टपक रहा है, चोरी ये की है,
मंदिर से कहां आप बीच में क्यों बोलने लगते हैं? आप बीच में क्यों बोल रही हैं? कंचना जी, अरे कंचना जी थोड़ा चोरी है की है, हर जगह से पानी टपक रहा है, चोरी है की है, कौन चोर है? आप कह रही है संसद का पानी टपक रहा है इसलिए ईडी का सपना आ रहा है? नहीं, एक सेकंड, चोरी की बात की इन्होंने ना, भरपूर करप्शन इन्होंने संसद में किया, पानी टपक रहा है, अयोध्या मंदिर इतना हल्ला, पानी टपक रहा है, ऐसा करप्शन, ट्रेन पे पानी लीक कर रहा है, ऐसा करप्शन किया, हर जगह से बस लीक ही, मतलब बात हो रही है करप्शन की, बात हो रही है करप्शन की, बात हो रही है करप्शन की, लेकिन ये देश का भी सत्य है कि लालू जी कन्विक्टेड है करप्शन के ही मामले पे, चारा घोटाले। क्या बढ़िया था गुरु। तो यहाँ पे जाति आती क्यों है? जाति आने का मतलब ये है कि हम कह रहे जाति आती क्यों? मैं कहता हूँ जाति जाति ही नहीं है सर, आती ही नहीं, क्यों क्यों आ रही है? क्योंकि जब हमें बढ़ना है बिजनेस, आपको पांचों को सुन के समझ में आ रहा जाति क्यों आती है? मैं जी बिल्कुल, जिस देश को बढ़ाने वाले सिर्फ बिजनेसमैन है और जॉब करने वाले हैं, उनसे कभी नहीं पूछा जाता कौन जाति का है, किस जाति के हो, उनसे काम की वर्केबिलिटी देखी जाती है, कौन कितना काम कर सकता है, बट जाति सिर्फ और सिर्फ ताली बजाइए, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। और सवाल सवाल किसी का है? जी 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 जी, क्या सवाल? बोली बोली बोली। अच्छा सर, आपने कहा रिस्पेक्ट की जैसे बात चल रही है कि रिस्पेक्ट, जैसे नाम में आपने कहा कि हर पार्टी को रिस्पेक्ट मिलना जरूरी है, फिर अभी इतने टाइम से हम ये क्यों सुनते थे कि चाय वाला प्रधानमंत्री है, चाय वाला प्रधानमंत्री, तब रिस्पेक्ट कहाँ पे गया? ये एक पॉइंट है। चाय वाला होने पे कटाक्ष नहीं किया किसी ने, नहीं किया विवेक जी, इतना 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 बिल्कुल सफेद भी मत बोलिए। तब तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है जो उनके सूत्र है ना, जो इतने वक्त से कह रहे हैं कि ईडी की रेड आएगी, ईडी की रेड आएगी, मुझे लगता है कि ईडी की रेड आएगी, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप सही हो तो, और अगर आप घबरा रहे हो तो मेरे ख्याल से मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है। जी जी जी, ओके, बिल्कुल क्रांतिकारी तरीके से। आशुतोष शर्मा का, अब आशुतोष शर्मा को भी, वो भी इंडिया अलायंस के हैं, सरकार के, अरे देश की नंबर तीन पार्टी हो गई है, उनको मौका तो दीजिए थोड़ा, 30 सेकंड। ओके वर्मा जी, देखिए मतलब अगर मतलब ईडी की रेड पड़ भी रही है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर पड़ भी रही है तो अगर कुछ गलत नहीं किया तो पब्लिक की तरफ से सवाल आ रहा है, तो डर क्यों हो रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो मॉडस ऑपरेंडी है वो यही है, आपको भी पता है कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी में कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग ईडी और सीबीआई के सामने गए, शायद कोई भी नहीं गया होगा, लेकिन विपक्ष के कोई भी व्यक्ति है उसमें जाती है, और राहुल गांधी और साथ में सोनिया गांधी जी खुद 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठ चुके हैं, इसमें किसी को कोई परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है, आए अपनी निष्पक्ष जांच करें। जो पिछले 5000 साल से मेरे भाई पूछ रहे थे कि जाति क्यों जरूरी है, जाति इसलिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री जब अपनी कैबिनेट बनाते हैं तो पिछले 5000 साल से नहीं, हाँ बिल्कुल जाति का 5000 सालों से चल रहा है, ये डेटा आपके पास कहाँ से है? 5000 साल से है सर। फिर आप पढ़िए इतिहास। अब इसमें मैं बोलता हूँ, ये देश ये है, ये देश ये है जहाँ पे वाल्मीकि की रामायण पढ़ी जाती है बिना जात को देखे, और वासुदेव कृष्ण की मंदिर में पूजा की जाती है बिना जात को देकर, इसीलिए ये 5000 साल का, ये 5000 साल का नहीं है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ, ये अंग्रेजों का दिया हुआ हमें प्रकोप है कि माइनॉरिटी वालों को इतना हक दिया जाता है तो मेजोरिटी वालों को क्यों नहीं दिया जाता है? उनके साथ हमेशा नाइंसाफी की होती है। मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बात करी, ओके ओके, एक जगह आशुतोष शर्मा बताइए कि माइनॉरिटी के हक की बात होती है, मेजोरिटी के हक को मारने की बात होती है? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, और विश्वविद्यालय बनाया कभी भी नहीं, आजम खान को आमरण जन्म तक उसका चांसलर बना दिया, बनाने भी भाई चांसलर का नाम ले लिया। ये सत्य, ये सत्यप्रकाश, ये सत्यप्रकाश मिश्रा सत्य बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ऐसा हुआ था? नहीं, जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलेगा, जवाब मिलेगा। ये सत्यप्रकाश मिश्रा ने सत्य बोला या झूठ बोला? हमारा जो आजम खान, आजम खान तो हो जाएगी बात, आजम खान हमारा समान, हमारा जो संविधान है वो इस देश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है, इस बात को समझिए, उसकी नींव की पहली ईंट ही यही है। और समाजवादी पार्टी देश में दलित के सरकारी नौकरी के प्रमोशन में सबसे बड़े विरोधी थे, बताइए आज, बताइए। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा।